पहला गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है इंटर कॉलेज महाकालेश्वर में, क्योंकि वहाँ दो दिवसीय महाकुंभ चल रखा है, मतलब जिसमें गेम्स है, जिसमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको खेल का अनुभव, उनको आगे को कैसे बढ़े उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है। और अभी हम निकल गए हैं स्कूल के लिए, तो मेरे साथ जा रहे हैं यहाँ के थोड़ा सीनियर हेड और स्कूल के अभी अध्यक्ष हैं जो, साथ में बच्चे जा रहे हैं, तो बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरे साथ स्कूल में यह भी अध्यक्ष है और ये है रवि, ये इस स्कूल का मतलब पूर्व छात्र है जो अभी SSG अल्मोड़ा में पढ़ा है। बाकी ये मेरे साथ जा रही है, बाकी ये गेम्स के लिए ही जा रहा है, बाकी कुछ बच्चे नीचे से आ रहे हैं देखो। और बाकी स्कूल में दिखाते हैं आपको। भाग लेना चाह रहे हैं तो वो पात्रता बना करके तो हम आपको हमने बता रखा है कहाँ मिल रहा है, आप बैंक की फोटो कॉपी और आधार की फोटो कॉपी संबंधित क्लासेस के माध्यम से। अभी बच्चों को अपने अपने जगह पर बैठने के लिए बोल दिया है, कोई खिलाड़ी यहीं पर रहेंगे, बाकी अपना अपना सीट ले लेंगे यहाँ पे। ये देखिए बच्चा, कितने सारे बच्चे हैं, अभी इसमें होगी 5-6 जनसंख्या इसकी। यहाँ पे हो रहा है अब बॉयज का गेम कबड्डी, देख सकते हैं दो स्कूलों के बीच में हो रहा है ये कबड्डी।
पे हो रहा है शिशु मंदिर वर्सेस महत गांव में गेम हो रही है। ये हो रहा है खो खो और जो बैठे हुए हैं ये हैं शिशु मंदिर के बच्चे और बाकी जो दौड़ रहे हैं और ये है महत गांव प्राथमिक विद्यालय महत गांव। ये बहुत नीचे मतलब यहाँ से 2-4 किलोमीटर नीचे है स्कूल, वहाँ के बच्चे हैं अभी। शुरू हो गया है बॉयज़ का गेम, सब वही दो स्कूल हैं और इंटर कॉलेज के बच्चे दौड़ रहे हैं बाकी खेलने वाले हैं। देखिए सारे बच्चे शालीनता से बैठे हुए हैं, टीचर लोग सब पूरा सहयोग दे रहे हैं गेम को आगे बढ़ाने में, अच्छे तरीके से खिला रहे हैं बच्चों को। ऊपर से धूप और बच्चों की मेहनत। यहाँ पर हो चुकी है रेस स्टार्ट बच्चों की। देखिए बच्चे ऐसे दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत आगे लीड ले रहे हैं, लेकिन दौड़ में हमेशा जितना मुझे पता है अगर लंबी दौड़ है मतलब काफ़ी लंबी वाली दौड़ से काफ़ी राउंड मारने होते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग मतलब हल्के स्लोमा करनी चाहिए क्योंकि सामने वाला बंदा जो फ्रंट होता है थक जाता भी देखे कि लड़का भी ऐसी ये लड़का थक ही जाएगा जो फ्रंट में जाता है। करके लीड लेते जा रहे हैं अच्छा वाले क्योंकि आगे अगर बच्चा थकते गया और पीछे लीड ले लिया आते हैं तो बच्चे देखे फिर उन्होंने उनसे गेम में दे रहे हैं बच्चे। अब ये हो गई है गर्ल्स स्कूल स्टार्ट, आगे देखने यहाँ पे ऊंची कूद शुरू हो गई है बच्चों नंबर 3 छोटे छोटे बच्चे हैं देखो इतने छोटे छोटे बच्चे और लंबाई देखो कहाँ कूद पाएंगे बच्चे। इतने छोटे छोटे बच्चे आगे दौड़ने के लिए कहाँ से बैठ लग नंबर 4 नंबर 4 आ जाओ हाथ नीचे मत रखना।
ना सोते हुए। सारे बच्चे सब चेयर्स कर रहे हैं, बाकी पीछे हमारी ये है, देखिए मैडम पीछे से वीडियो बना रही है या फोटो खींच रही है। और यस सो कैसा लग रहा है फिर आपको, मनोरंजन अच्छा हो रहा? यहाँ के टीचर ने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से कर रहे हैं यहाँ का, और बच्चे काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, कोई बंद नहीं कर रहे हैं इधर क्योंकि अच्छी अवस्था है स्कूल में, क्योंकि बच्चे सब एकता है और बड़े जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और गेम लगातार नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं, तो वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स हैं बच्चों के लिए, आप बने रहिए। चक्का गोला भाला और चक्का की तैयारी हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपको गेम्स अच्छे लगेंगे, छोटे छोटे बच्चे कुछ फनी थे, कुछ अच्छे से थे, कुछ अच्छा गेम खेलते हैं, कुछ उनके बस के भी नहीं, क्योंकि हाइट भी छोटी है उनके और हाइट के हिसाब से उनको लंबी कोदा हो चुकी हो, तो उनके बस की कहानी होती है। लेकिन जो भी है ऐसे गेम्स से ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनका जो प्रभाव मतलब उनकी प्रतिभा होती है, मतलब वो गेम्स के प्रति कितने जागरूक हैं और कितना वो गेम खेलना चाहते हैं, वो चीज़ें अच्छी मौका मिल जाता है उनको। और पता है सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये गेम्स हो रहे हैं ये अभी जो है वो गाँव के हिसाब से हो रहा है, मतलब जैसे महाकाश में हो गया तो ये अखुड़े नहीं गया अखुड़े में होगा, और इसमें 14 साल तक के बच्चों का ही है, और जो 17 साल से ऊपर के बच्चों का है, 17 साल तक के या उससे ऊपर के बच्चों का, वो होगा बाखली के फील्ड में। और इसमें जो फर्स्ट बच्चे आए हैं उनको हर बच्चे को 300 रुपये गवर्नमेंट देगी, जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं वो लोग उनके यूज़ उनके पढ़ाई में, उनके गेम्स स्पोर्ट्स में कहीं तो आ जाएंगे। तो यहीं पर मैं ब्लॉग एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।